बरेली के बहेड़ी में अवैध गाड़ियों का कटान पूरी तरह से जोरों पर चल रहा है। टैक्स बकाया वाली गाड़ियों को काट कर सरकार को रोजाना लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बहेड़ी बाईपास रोड पर खुलेआम अवैध कार, ट्रक, बस आदि गाड़ियों काट कर उनके पार्ट्स सप्लाई करने का कार्य बेखौफ चल रहा है। जिला प्रशासन को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी प्रशासन मौन धारण किए हुए बैठा है। करोड़ों रुपए का यह काला कारोबार पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की मिली भगत होने के कारण इनका कोई कुछ भी नहीं कर पाता। हालांकि इस रोड से आरटीओ बगैर का भी निकलना बैठना रहता है, परंतु इस काले कारोबार का आज तक परिवहन विभाग के किसी अधिकारी ने भी कोई अंकुश नहीं लगाया है। रिश्वत बाजार में ऐसे काले कारनामे सभी सही ठहरा दिए जाते हैं। गाड़ियां काटे जाने के कारोबार में कितनी ही चोरी की गाड़ियों भी काट कर उनके पास सप्लाई कर दिए जाते हैं। कई बार इन कारोबारियों के पास से चोरी की गाड़ियां भी पकड़ी जा चुकी हैं और कई लोग जेल भी भेजे जा चुके हैं, परंतु जेल से छूटने के कुछ ही दिनों बाद फिर उतनी ही बड़ी तादाद में कारोबार